नमस्कार यूट्यूब चैनल मैथ सैरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास एम आर पी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है आज इस वीडियो में मैं डी मोबाइल थेम पे जो बेस्ट अच्छे क्वेश्चन है वो दो लेके आया हूँ बच्चों की डिमांड पर एक्सरसाइज एलेवन का क्वेश्चन पहले का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें माइनस की पॉट थ्री बाई की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है तो आप जैसे कि जानते हैं कि पहले हमें ये जो माइनस वन है इसको पोलर फॉर्म में यानी कि ध्रुवी रूप में लाना होगा तो हमें हैं इसको लेट माना कि माइनस वन बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये ध्रुवी रूप का प्रामाणिक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हम तुलना करते हैं तो देखिएगा राइट हैंड साइड में आर कॉस थीटा आएगा गुणा जो ब्रैकेट खोलने पर रियल पार्ट और यह रियल पार्ट माइनस वन है तो आर कॉस थिएटा इजिकल टू माइनस वन हो गया और जो काल्पनिक भाग है राइट हैंड साइड में देखिएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आर साइन थिएटा तो आयोटा से गुना जिसका होता है वो काल्पनिक भाग होता है यानी कि आर साइन थीटा तो आर साइन थीटा जो है वो इधर देखिए इस तरफ आयोटा का कोई पद नहीं है यानी कि काल्पनिक भाग शून्य है यानी कि आर साइन थीटा बराबर जीरो हो गया इसको मैंने वन और टू नाम दे दिया को अब हम इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस पर थेटा आर स्क्वायर साइंस का थीटा होगा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कॉमन ले लिया तो कॉस पे थेटा प्लस टू उधर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे फिर जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कॉस का थेटा प्लस साइंस वन होता है तो आर स्क्वायर इंटू वन टू वन माइनस वन का स्क्वायर वन होता है जीरो का स्क्वायर जीरो होता है यानी जिसका इसका मापांक है वो वन हो गया अब निकालते हैं इसका कोणांक. अब देखिए कोणांक निकालने के लिए आप जानते हैं कि अगर हम साइंथ हिटा में कौन का भाग लगाए तो tan हिटा आता है तो हम क्या करेंगे टू में वन का भाग लगाएंगे डिवाइड टू बाई वन तो आर साइन थीटा बटा आर थीटा करेंगे तो आर आर कट जाएगा साइन थीटा बाटा कौन हो जाएगा टेन थीटा ये दिखेगा और जीरो में किसी को भाग लगा जीरो ही आता है लेकिन यह एक बात ध्यान देने की है वैसे तो जीरो आ रहा है अब साइन थीटा जो है जीरो कॉस जीरो आ रहा है माइनस में अगर मैं आर को वन ले लूँ तो वन इंटू कॉस थीटा इजिकल टू माइनस वन यानी कि कॉस थीटा इजिकल टू माइनस वन आप जानते हैं कि जब कॉस थीटा माइनस वन होता है तो थीटा एक सौ अस्सी डिग्री होता है यानी कि पाई तो यहाँ पे थीटा एक सौ अस्सी डिग्री लिया जाएगा हाँ अगर ये प्लस वन होता तो मैं इसको जीरो लेता क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है और कॉस ज़ीरो वन होता है लेकिन यहाँ पे माइनस वन है तो साइन एक सौ अस्सी ज़ीरो ही होगा और कॉस एक सौ अस्सी माइनस वन होता है ये दोनों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है इसलिए थीटा होगा पाई मैंने बताया ना आपको क्योंकि वन इंटू कॉस थीटर जब आया माइनस वन तो थीटा वन एट्टी डिग्री आएगा यानी थीटा हम कहेंगे पाई रेडियंस तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया आर तो आ गया वन और थीटा आ गया पाई ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी यहाँ पर ये जो हमने रेड किया था ना यहाँ पे माइनस वन एजिकल टू ये वाला यहाँ पे इसलिए माइनस वन एजिकल टू आर को क्या लिख दिया हमने वन यार आर है ना आर को लिख दिया वन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यानी कि कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई यहाँ तक आ गया ये हमने इस माइनस वन को पोलर फॉर्म में लिख दिया ध्रुव रूप में लिख दिया नाव अब देखिए अगर हमको माइनस वन की पॉट थ्री बाई फोर निकालनी है तो मैंने क्या किया इसकी पॉवर थ्री बाई फोर ले ली अब इसकी पॉवर थ्री बाई फोर होगी तो वहाँ भी आपको पॉवर थ्री बाय फोर करनी पड़ेगी अब वन की पॉड थ्री बाई फोर तो बन ही आएगी क्योंकि बाकी सारा मैटर्म इसके अंदर इंक्लूड कर चुके हैं और कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई की पॉड थ्री बाई फोर हो जाएगी अब थ्री बाई फोर जो है आप देख रहे हैं ध्यान से थ्री बाई फोर जो है इसको मैं थ्री इंटू वन बाई फोर कह सकता हूँ थ्री इंटू वन बाई फोर तो पहले ये जो तीन है इसको अंदर लेके आएंगे अपन विद द हेल्प ऑफ डी मोबाइल थीरम अब जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन जो होती है जिसमें एन जो कोई रेशनल नंबर होता है परमिट संख्या होती है तो वो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बन जाता है तो ये जो तीन है इसको गुणा करेंगे दोनों से तो ये आ जाएगा थ्री पाई और प्लस आयोटा साइन थ्री पाई यानी कि कॉस थ्री पाई प्लस आयोटा साइन थ्री पाई और वन बाई फोर अलग कर दिया अब वन बाई फोर शुरू करता है कि इसका चौथा मूल है इसका फोर्थ रूट है आप जानते हैं कि हम ये जो एंगल हमारे पास में आया थ्री पाई इसमें हम टू एम पाई जोड़ेंगे वी विल एड टू एम पाई क्योंकि अगर किसी भी एंगल में आप टू एम पाई अच्छा टू एम पाई क्या है टू पाई का मल्टीपल है और दो पाई का कोई भी मल्टीपल किसी एंगल में जोड़ दे तो वापस लाइन की जो पोजीशन जहाँ थी वहीं आ जाती है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं टिटोमेटिक रेशियो पर तो हमने क्या किया कि टू एम पाई जोड़ा थ्री पाई के अंदर तो थ्री पाई में टू एम पाई जोड़ दिया यहाँ भी थ्री बाई में टू एम पाई जोड़ दिया और पॉवर वन बाई फोर है ही वो इट इम्प्राइज माइनस वन की पॉवर थ्री बाई फोर इजिकल टू वन तो रहेगा अब देखिएगा हम लगाएंगे डी मोबाइल से आराम तो ये टू एम पाई प्लस थ्री पाई को गुणा करेंगे वन बाई फोर से तो टू एम पाई प्लस थ्री पाई 4 फोर आ जाएगा प्लस आयोटा साइन टू एम पाई प्लस थ्री पाई फोर आ जाएगा हम यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो ये टू एम प्लस थ्री इंटू पाई बाई फोर आ जाएगा यहाँ पर भी टू एम प्लस थ्री इंटू पाई बाई फोर आ जाएगा अब जब आप जानते हैं कि इस प्रकार से वन बाई फोर यानी कि हमको चौथा मोड निकालना होता है तो जो एम की वैल्यू रखी जाती है वो ज़ीरो वन टू थ्री होती है तो यहाँ एम रखा जाएगा अगर मैं एम को जीरो लूँ तो इसका एक आंसर आ जाएगा वन लूँ इसका दूसरा आंसर आ जाएगा थ्री लूँ टू लू मतलब जीरो वन टू थ्री रखने से अलग अलग वैल्यू रखने से चार आंसर आ जाएंगे निकल जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी इसका आंसर हम इसी रूप में दे रहे हैं तो ये फाइनल आंसर रहा इसका कि वन मल्टीप्लाई बाय कॉस टू एम प्लस थ्री इंटू फाइव बाई फोर प्लस आयोटा साइन टू एम प्लस थ्री इंटू फाइव बाई फोर जहाँ एम जीरो वन टू और थ्री अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा ये इसी एक्सरसाइज का एलेवन पॉइंट टू का देखिए वन प्लस आइटा की पावर वन बाई थ्री ये क्वेश्चन है तो हमेशा की तरह हम पहले वन प्लस आइटा जो है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वन प्लस आइडा जो होगा उसको माना जाता है आर इन टू कॉ थीटा प्लस आयोटा थीटा अब तुलना करेंगे वास्तविक भागों की तो आर कॉसिटाजिकल टू वन हो जाएगा और काल्पनिक भाग आएगा इसका आर साइन थीटा और वो यहाँ देखिए कि आ रहा आ इधर आयटा को मैं वन इन टू मान सकता हूँ तो आयटा का गुणा कैसे हो रहा है वन से तो आर साइन थीटा इजिकल टू वन हो जाएगा तो आर कॉ थीटा भी वन है और आर साइन थीटा भी वन है इसको वन और टू नाम दे दिया अगर मैं वन स्क्वायर में टू स्क्वायर जोड़ूँ तो आर स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन का स्क्वायर वन और वन का स्क्वायर वन तो टू हो जाएगा तो आर स्क्वायर इजिकल टू दो आ जाएगा तो आर कितना आ जाएगा रूट टू यहाँ से देखिएगा हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कौन स्क्वायर थीटा आएगा इसका आर स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा आएगा उसको जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा और साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है इधर वन का स्क्वायर वन आएगा उधर वन का स्क्वायर वन आएगा जोड़ेंगे तो दो आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है इसलिए आर इजिकल टू रूट टू और जब हम दो में एक का भाग लगाएंगे तो आर से आर कट जाएगा साइंस थीटा बड़ा कौन सा हो जाएगा टेन थीटा वन ओ पन वन ही होता है अब देखिए दोनों वन है ये इसका और हमारे पास दोनों पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए तो जब टेन थीटा वन होता है थीटा होता है फोर्टी फाइव डिग्री यानी कि पाइव बाई फोर हमको आर मिल गया हमको थीटा मिल गया ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वन प्लस आटा कितना हो गया आर जगह रूट टू कॉस थीटा प्लस आयाटा साइन थीटा कॉस फाइव बाय फोर प्लस आटा साइन फाइव बाई फोर अब हमें इसकी पॉर निकालनी वन बाई थ्री तो हमने दोनों और वन बाई थ्री कर दी तो यहाँ रूट टू इन टू पाई फाइव बाई फोर प्लस आइटा साइन पाई बाय फोर की पावर वन बाय थ्री हो जाएगी अब आप जानते हैं कि जो रूट टू होता है आप रूट टू को कह सकते हैं टू की पावर वन बाय टू और टू की पावर वन बाय टू की जब पावर वन बाय थ्री करेंगे तो पावर पावर गुणा होती है घात से घात गुणा होती है तो वन बाय टू को वन बाय थ्री से गुणा करना पड़ेगा और अगर मैं वन बाई टू को वन बाय थ्री से गुणा कर दूँ तो वन बाई सिक्स आएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है टू की पावर वन बाय सिक्स और यहाँ अभी हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसको पहले जनरल फॉर्म में लेके आएंगे हम किसी भी एंगल में अगर टू एम पाई जोड़ दें तो उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये हमने क्या किया कि पाई बाई फोर में जोड़ा टू एम पाई तो टू एम पाई प्लस पाई बाई फोर प्लस आयाटा साइन टू एम पाई प्लस पाई बाई फोर रेस टू वन बाई थ्री अब यहाँ हमने डी मोबाइल थ्योरम लगाई तो हम इस एंगल को इससे गुणा करेंगे वैसे मैंने पहले किया कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया अंदर अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लूँ देखिएगा ये जो टू एम पाई प्लस पाई बाई फोर है टू एम पाई प्लस पाई बाई फोर जिस समझिए इसको अगर मैं फोर एल से तो ये एट एम पाई प्लस पाई आएगा जिसको मैं अगर पाई कॉमन लूँ तो एट एम प्लस वन और पाई बार निकाल दिया पाई बाई फोर तो ये काम मैंने किया है ए टैम प्लस वन इंटू फाइव बाई फोर जो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए टैम प्लस वन इंटू फाइव बाई फोर प्लस आयोटा साइन ए टैम प्लस वन इंटू फाइव बाई फोर जो आप जानते ना जो यहाँ आता है वो यहाँ आता है और इसकी बॉर्डर है वन बाई थ्री अब मैं डी मोबाइल थर्म लगाऊंगा तो वन बाई थ्री को इससे गुणा कर दूंगा तो ये पाई बाई फोर को गुणा करेंगे वन बाय थ्री से तो पाई बाय बार आ जाएगा तो ये क्या रह गया फाइनल आंसर हमारा टू रिज टू वन बाई सिक्स फिर कॉस एट एम प्लस वन मल्टीप्लाई बाई फाइव बाई ट्वेल्व प्लस आटा साइन एट एम प्लस वन मल्टीप्लाई बाई फाइव बाई ट्वेल्व जहाँ एम इजिक्वल टू जीरो एक और दो क्योंकि जब और वन बाय थ्री होती है ना तो यहाँ पर आपको तीन वैल्यूज निकालनी होती हैं क्यूब रूट बताइए तो जीरो वन इन एं टू एंड इट इज़ द फाइनल आंसर तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा अच्छा लगा हो इसको लाइक करो जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको मेरे लगातार वीडियोस देखते रहने हैं तो आने वाले समय में भी तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो थैंक यू